हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, इसके पहले वाले टॉपिक में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 की बात करी थी। वो वाला टॉपिक बच्चों क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं डाउट हो तो उस चीज़ को बेटा कमेंट के माध्यम से या जो नीचे दिया गया लिंक है उसके माध्यम से टेलीग्राम वगैरह पे जाके आप पूछ सकते हैं। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको आप अप्लाई करें। कहीं पे भी डाउट रहा करें बेटा, उस लेक्चर के बाद में आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बेटा, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, इसका मतलब समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग? क्या मतलब है बेटा, ब्रीदिंग को रेगुलेट करने का मतलब क्या है? रेगुलेशन का मतलब सीधा सीधा ये है कि हम अपने ब्रीदिंग रेट को अल्टर कर सके। ठीक है, हम बेटा अपने ब्रीदिंग रेट को क्या कर सके, अल्टर कर सके ऑन बॉडी डिमांड। बॉडी डिमांड के साथ में हम, जैसे ही हमारी बॉडी डिमांड हो, जैसे हमारे टिश्यूज को, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत हो, CO2 को निकालना हो, उस हिसाब से बेटा हम रेगुलेट कर सके अपने ब्रीदिंग की एक्टिविटीज को। समझ रहे हो? यस। तो कैसे किया जाता है ब्रीदिंग को, कैसे रेगुलेट किया जाता है बेटा, वही हम समझने वाले हैं। ठीक है, कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग का मतलब समझ ले, जो हमने कहा उस चीज को, अल्टरेशन ऑफ ब्रीदिंग ऑन बॉडी डिमांड, है ना। ठीक है, हम अपने ब्रीदिंग रेट को बेटा अल्टर कर सकें। किसके डिमांड पे? बॉडी की डिमांड पे। अच्छा, कैसे करते होंगे बेटा? आप जानते हो कि हमारे बॉडी में कहीं भी, अगर जैसे हम हार्ट की एक्टिविटी को अल्टर करने की बात करते हैं, हमारा हार्ट मायोजेनिक है, लेकिन बेटा उसके बावजूद हमें अगर हार्ट रेट को इंक्रीज करना है, ज्यादा करना है इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, तो जरूरत हमारे न्यूरल सिग्नल की पड़ेगी, वो आएंगे ब्रेन से। ऐसे ही हम यहां पे ये कहने वाले हैं बेटा कि जब हम ब्रीदिंग के रेगुलेशन की बात करते हैं तो तुरंत ही हम किसकी बात करेंगे, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट कुछ रिसेप्टर्स की बात करेंगे, जो कि बेटा इस बात को परसीव करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन किसी एक पर्टिकुलर टाइप चीज हो। जैसे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा हो, H+ आयन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा हो बेटा, लास्ट टर्न को अगर आपने देखा होगा, लास्ट टॉप जो टॉपिक हमने बेटा बताया ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन, तो आपको समझ में आ जाएगा CO2 और H+ एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। या pH के डिक्रीमेंट की बात करें, टेम्परेचर की इंक्रीमेंट की बात करें, अगर ये फैक्टर्स बेटा अगर आ रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ रही है। उस बढ़े हुए CO2 को हमें रेगुलेट करना है किसके द्वारा, इनहेल करके, ढेर सारी ऑक्सीजन इनहेल कर ले करके, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन इनहेल करके हमें बढ़ाना होगा। समझ रहे हो? ठीक है, जरूरत कब पड़ती है ज्यादा इनहेलेशन की? जरूरत तब पड़ती है बेटा जब हम एक्सरसाइज मोड में होते हैं। इसीलिए आप देखते होगे, अगर आप नॉर्मल कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, जैसे आप पढ़ रहे हो इस टाइम पे, है ना, आपको क्या बेटा ये फील हो रहा है कि हमारा हार्ट एकदम ऐसी वाली सिचुएशन। लेकिन आप अगर रनिंग कर रहे होते, बहुत तेज भाग रहे होते, उस टाइम पे क्या होता, रनिंग की सिचुएशन में बेटा आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका ब्रीदिंग पैटर्न बढ़ जा, ब्रीदिंग पैटर्न थोड़ा सा ऐसा हो जाता है बेटा कि, है ना, वो रेट रेट थोड़ा सा, है ना, इंक्रीज कर जाता है। समझ रहे हो? यस, ओके। तो सबसे पहले बेटा हम उस सेंटर को बनाने की बात करते हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ब्रेन को। जरा देखो, जरा देखो, प्यार से समझना, एकदम बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, एक बार में समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो हमारा ब्रेन बेटा तीन पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया छोटकू सा, ठीक है, और हाइंड ब्रेन। देखो जरा, हाइंड ब्रेन के अंदर बेटा देखो, सबसे पहले तो हम सेरिबेलम दिखा देते हैं, फिर यो ऐसे देखो, यहां पे बेटा हम इसको क्या कह रहे हैं, ये हमारा है फोर ब्रेन, थोड़ा सा छोटा लिख दिया हमने, इसको बड़ा कर देते हैं। ये क्या है बेटा, मिड ब्रेन, और ये है हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये हमने बेटा सेरिबेलम दिखाया है जो कि बैलेंसिंग की तरह काम करता है, दारू वारू जो लोग पी लेते हैं यही को अफेक्ट करता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, चल नहीं पाते, सही नाली वाली गिर जाते हैं, जानते हो।
हाँ कभी ट्राई करके देखना। नहीं, ट्राई मत करना है, पाबंदी चीज होती है यार। तुम लोग इसको जरूर ट्राई कर लेना है, गलत चीज बताएंगे उसको जरूर तुम लोग एक ध्यान दे देना। अच्छा हाँ सर, ये सर तो आप तो बोले हैं। देखो अच्छा बेटा, इधर देखो जरा, ये मेडुला वाला रीजन है हमारा, है ना। मेडुला देखो, ये सेरिबेलम है, ये मेडुला है, ये जो रीजन आप देख रहे हो बेटा, ये मेडुला वाला रीजन है, और ये है पोन्स वाला रीजन, पोन्स वेरोलाई बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। क्या है पोन्स वाला रीजन? अब ये जो मेडुला वाला रीजन है बेटा, इस मेडुला वाले रीजन में एक सेंटर पाया जाता है, स्पेशल टाइप का एक सेंटर होता है बेटा, जिसको रेस्पायरेटरी रिदमिक सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पायरेटरी रेस्पायरेटरी रिदमिक सेंटर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? रेस्पायरेटरी रिदमिक सेंटर। अच्छा देखो, इसी रेस्पायरेटरी रिदमिक सेंटर से जुड़ा हुआ बेटा एक और छोटा सा पार्ट यहाँ पे हम बना देते हैं, जिसको कीमो रिसेप्टर एरिया बोलते हैं, कीमो सेंसिटिव एरिया, कीमो कीमो सेंसिटिव एरिया, ठीक है। ये रेस्पायरेटरी रिदमिक सेंटर हो गया बेटा, ये इससे जुड़ा हुआ क्या हो गया? कीमोसेंसिटिव एरिया, इसी से एकदम जुड़ा हुआ रहता है बेटा। और यहाँ पे इस जगह पे जो पॉन्स वाला रीजन है बेटा, इस जगह पे है ना एक और सेंटर पाया जा रहा है लगभग लगभग इसी जगह पे, जिसको आप नीमोटैक्सिक सेंटर बोलते हो। क्या बोलते हो? नीमोटैक्सिक सेंटर, ठीक। क्या बोलते हो बेटा? नीमोटैक्सिक सेंटर। अब ये जो नीमोटैक्सिक सेंटर है, रेस्पायरेटरी रिदमिक सेंटर क्या करेगा बेटा? ये रेस्पायरेटरी रिदमिक सेंटर जो है, हमारे बॉडी के अंदर कितना जरूरत है ऑक्सीजन की, इस चीज को आइडेंटिफाई करता है, और उस हिसाब से हमारे बॉडी के अंदर रिदम को मेंटेन करता है, ब्रीदिंग की रिदम को मेंटेन करने का काम करता है, इसलिए इसको रेस्पायरेटरी रिदमिक सेंटर बोलते हैं। समझ रहे हो? अच्छा इसलिए बेटा इसको क्या बोलते हैं? रेस्पायरेटरी रिदमिक सेंटर बोलते हैं। अच्छा देखो जरा, ये जो निमोटेक्सिक सेंटर है सर, इसका काम बताओ, इसका काम क्या है? ये जो निमोटेक्सिक सेंटर है बेटा, ये निमो टैक्सिक सेंटर मतलब चलाने वाला है ना, जैसे आप ये समझो कि कुछ टैक्सिक, टैक्सिक का मतलब है ना निमोटैक्सिक, ईयर वगैरह से रिलेटेड है बेटा, है ना, उससे उससे कुछ रिलेटेड चीज है ना, उससे कुछ रिलेटेड चीज है, उसको उसको क्या करने वाला, उसको एक तरीके से अल्टर करने वाला है ना, अल्टर करने वाला, निमोटैक्सिक सेंटर को एक तरीके से अल्टर करने वाला। यहाँ पे रेस्पायरेटरी रिदमिक सेंटर के पास में देख लो जरा इसको, तो ये क्या करेगा? उस हिसाब से, जिस हिसाब से बॉडी की डिमांड होगी, रेस्पायरेटरी रिदमिक सेंटर को मैसेज सेंड करेगा, और ये उस हिसाब से ब्रीदिंग के रेट को रखेगा। अच्छा कीमो सेंसिटिव एरिया जो है, कीमो सेंसिटिव एरिया के बारे में जरा देखें आप, और इसको जरा समझने की कोशिश करें, ठीक है, इसको जरा समझने की कोशिश करें। देखो इसके बारे में हम एक बात कहना चाहते हैं बेटा, ये जो रेस्पायरेटरी रिदमिक सेंटर है या कीमो सेंसिटिव एरिया है, ये इस बात की खबर रखता है कि आपके बॉडी के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन, है ना। इसके अलावा अगर हम पीएच की बात करें, पीएच की बात करें, तो इन चीजों को रेगुलेट करने का काम करता है। अगर अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है, एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और पीएच लो है, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर जरूरत है बेटा किसकी? ऑक्सीजन को इनहेल करने की, ढेर सारे ऑक्सीजन को इनहेल करने की जरूरत है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा, एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा, पीएच लो, ठीक। अच्छा देखो जरा, अगर इस चीज की जरूरत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि
कि आपके बॉडी में CO2 अगर बढ़ रहा है मतलब मेटाबॉलिज्म आपकी हाई चल रही है। अगर मेटाबॉलिज्म हाई चल रही है तो मेटाबॉलिज्म के हाई चलने का मतलब ये हुआ कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ रही होगी, समझ रहे हो। अब उस बढ़ी हुई ऑक्सीजन डिमांड को कैसे पूरा किया जाएगा, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन खींच के। इसलिए बेटा जब आप हाई मेटाबॉलिक कंडीशन के अंदर होते हो, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज शो कर रहे होते हो, तो उस दौरान होता क्या है कि आप तेजी के साथ में ब्रीदिंग करने लग जाते हो, ब्रीदिंग रेट आपका इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। यस, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर जाता है ना। ये कौन करवा रहा है? रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, किसकी हेल्प से? निमोटैक्सिक सेंटर की हेल्प से, समझ रहे हो। किसकी हेल्प से बेटा? निमोटैक्सिक सेंटर की हेल्प से कौन करवा रहा है? रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर करवा रहा है। अच्छा देखो जरा सर, यहां पे आपने ऑक्सीजन वगैरह नहीं बताया बेटा। ये जो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर है ये बिल्कुल भी परसीव नहीं कर सकता बढ़े हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेशन या घटे हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को, इसको ऑक्सीजन से मतलब ही नहीं है। इसलिए अगर कोई कहे CO2 बहुत ज्यादा हार्मफुल, बहुत खतरनाक, एकदम जीवन के लिए आपके लिए, बेटा है इनवर्सल टॉक्सिक सब्सटेंस है, लेकिन उसके बावजूद हम आपसे एक बात ये कहना चाहते हैं कि CO2 का लेवल एकदम से अगर डाउन हो गया आपके बॉडी के अंदर। हाँ देखो, अभी जो कीमोसेंसिटिव एरिया है इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ये इसको तो परसीव कर ही रहा है। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि जैसे बेटा ये हमारा ब्रेन है तो ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती होगी। डायरेक्टली ब्लड तो नहीं जाता बेटा ब्रेन के अंदर, लेकिन आप एक चीज याद रखो हमेशा, एक चीज हमेशा दिमाग में होनी चाहिए कि बेटा न्यूट्रिशन तो आपके ब्रेन को भी चाहिए। न्यूट्रिशन अगर ब्रेन को चाहिए आपके, तो उस दौरान ये जो ब्लड जा रहा है कोरोइड प्लेक्सस का बेटा, जो अब पायामेटर वगैरह अभी आपको पता नहीं बेटा है ना, पायामेटर जब हम कभी बताएंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर, तो पायामेटर जो है बेटा, उस पायामेटर के द्वारा कोरोइड प्लेक्सस का फॉर्मेशन, टफ ऑफ कैपिलरीज के द्वारा कोरोइड प्लेक्सस का फॉर्मेशन होता है और उसके थ्रू CSF का फॉर्मेशन होता है ना, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसको बोलते हैं बेटा, है ना। यहाँ पे ढेर सारा CSF फॉर्म होगा, यहाँ पे ढेर सारा CSF फॉर्म होगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, है ना। और एक चीज और याद रखो, CSF अगर फॉर्म हो रहा है तो ये जो CSF है बेटा, इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई करी जा रही होगी वो कैरोटिड आर्टरी को थ्रू करी जा रही होगी बेटा। कैरोटिड आर्टरी ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, है ना। अगर इस कैरोटिड आर्टरी के थ्रू जो ब्लड सप्लाई किया जा रहा है बेटा ब्रेन को, उसके अंदर अगर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज कर जाए, CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाए बेटा, तो यही चीज तो CSF के अंदर भी पहुंचेगी। CSF को जो न्यूट्रिशन मिलेगा बेटा, जो ये कैरोटिड आर्टरी जो ब्लड लेकर जा रही होगी, इसके अंदर जो भी चीजें होंगी वही तो पहुंचेंगी। अगर CO2 कंसंट्रेशन बेटा हाई है तो ये जो CSF है बेटा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर भी CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और इसको परसीव किया जाएगा कीमोसेंसिटिव एरिया के द्वारा। कीमोसेंसिटिव एरिया से क्या बताएगा कि आपके बॉडी के अंदर CO2 बढ़ चुका है, अब आप क्या करिए, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर दीजिए, अपने ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर दीजिए। यस, हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बेटा एक ये कैरोटिड आर्टरी बेटा, इसी कैरोटिड आर्टरी में एक और स्पेशल लोकेशन होती है जिसको कैरोटिड साइनस बोलते हैं। साइनस, कैरोटिड साइनस में कुछ स्पेशल रिसेप्टर बेटा लगे होते हैं। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, ये रिसेप्टर यहां यहीं पे है ना, ये CSF वगैरह जाने की जरूरत ही नहीं, ये रिसेप्टर क्या करेंगे, यहीं पे परसीव कर लेंगे CO2 कंसंट्रेशन को, यहीं परसीव करते हैं और इसको डायरेक्टली बताने का काम करते हैं रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को कि भैया खतरा पहुंच रहा है, आप क्या करो, ब्रीदिंग को इंक्रीज कर दो, जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करने लग जाओ। क्यों करने लग जाओ, क्योंकि जो कैरोटिड आर्टरी ब्लड लेकर आ रही है, उस आर्टरी के अंदर बेटा किसका कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, समझ रहे हो आप। यस, बढ़ा हुआ, ठीक है। तो उस हिसाब से तुरंत ही रेगुलेशन हो जाता है, आप जल्दी जल्दी सांस खींचने लग जाते हो। अच्छा एक चीज समझो जरा, किस तरीके से ये अल्टर करता होगा निमोटैक्सिक सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को।
जैसे आप दो तरीके से, एक तो जल्दी जल्दी सांसें खींच रहे हो, रेट बढ़ गया, एक आप गहरी सांस खींच रहे हो। बेटा कभी कभी बहुत ज्यादा जब इंक्रीज कर जाता है CO2 का लेवल, तो आप क्या करते हो, जमाई लेते हो, जमाई है ना, यानी उस समय क्या करते हो, एकदम मुंह भी फैला लेते हो, नाक से भी सांस जा रही, मुंह से भी जा रही, एकदम ऐसे एकदम है ना, ऐसे करके एकदम सांसें लेते हो बहुत ढेर से, वो जैसे देखो ले रहे हो इसे खड़े होके, है ना, ठीक है, तो ऐसे सांसें लेने लग जाते हो आप। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा बेटा डिमांड आ गई है, है ना, तो एकदम से बहुत गहरी सांस लेके आप खींचते हो ढेर सारी ऑक्सीजन एक साथ में, है ना। तो ये कौन करवा रहा है? निमोटेक्सिक सेंटर ही पूरा पूरा करवा रहा है बेटा, ठीक है। तो आपको थोड़ी बहुत बातें तो बेटा इसके अंदर समझ में आ गई होंगी हमें लगता है। अच्छा, एक बार फिर से हम जल्दी से समराइज कर देते हैं। हमने बेटा ये बताया कि रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग का मतलब क्या है, अल्टर कर देना, है ना, अल्टरेशन किसके अंदर कर देना, नंबर में अल्टरेशन कर देना, मतलब हाई नंबर कर देना या लो, है ना। जैसे अगर अगर मेटाबॉलिज्म बहुत इंक्रीज कर गई है तो CO2 का लेवल बढ़ा होगा, और उस CO2 के लेवल को परसीव किया जाएगा बेटा रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग सेंटर के द्वारा, और ये करेगा क्या, उस हिसाब से आपके ब्रीदिंग के अंदर, ब्रीदिंग पैटर्न के अंदर बेटा बदलाव लाएगा, और बहुत तेजी के साथ आप सांसें खींचने लग जाओगे, स्लोली खींचोगे, डिपेंड करेगा CO2 के लेवल कितना है, ठीक है। कैसे किया जाएगा पूरा आप समझ चुके हो। यहां पे कहीं पे हमने ऑक्सीजन का रोल बताया नहीं बेटा। ये जो न्यूरल रेगुलेशन है ब्रीदिंग का, न्यूरल रेगुलेशन जो ब्रीदिंग का है, एक चीज बहुत साफ साफ आपकी बुक के अंदर लिखी गई है बेटा कि ऑक्सीजन का रोल बहुत ही लिमिटेड है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के अंदर। तो CO2 खतरनाक है आपके बॉडी के लिए बेटा, लेकिन उतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं जितना आप समझते हो, क्योंकि CO2 का लेवल बेटा अगर एकदम डिप कर गया बॉडी में, आप सांसें लेना बंद कर दोगे, आपकी मेटाबॉलिज्म स्टॉप कर जाएगी, आप समझ रहे हो। अगर बहुत ही डिप कर गया कि ये परसीव ही नहीं कर पा रहा रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग सेंटर, तो क्या करोगे आप, सांस लेना बंद कर दोगे। अगर सांस लेना बंद किए तो फिर डेथ हो सकती है, आप समझ रहे हो, ठीक है बेटा। तो थैंक यू वेरी मच, इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं।